आइए चिकन पोटैटो डोनट्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 किलो मैंने आलू लिए हैं, ये बॉईल करके इनको इस तरह से मैश कर लिया मैंने अच्छी तरह से, ये मैं एक बाउल में डालूंगी। और इसके साथ ही प्याज है बारीक चॉप किया हुआ मेरे पास, ग्रीन चिली है बारीक कटी हुई, ये इसके अंदर जाएगी। चिकन है बारीक रेशे, इसके बॉईल करके बारीक रेशे किए हैं इसके, ये इसके अंदर जाएंगे। और ये पीली गाजर है मेरे पास, ये बारीक कद्दूकश की हुई है, ये इसके अंदर डालेंगे। और इसके साथ ही सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ, मटर है इनको मैंने फ्राई किया है और इनको थोड़ा सा मैंने हाथ के साथ मसल लिया है। ये चीज़ है मेरे पास, ये इसको क्रश किया है, ये अंदर डालेंगे। अब इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डालेंगे, अंडा डालेंगे, ये इनको क्रिस्पी बनाए, अंदर से सॉफ्ट बनाएगा। तो आइए अब इसको अच्छे तरह से मिक्स करते हैं, मसाले अंदर डालते हैं। सिर्फ इसके अंदर नमक ये 2 चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ, और ये सुरख मिर्च मोटी मोटी कुटी हुई इसके अंदर 2 चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ ही इसके अंदर काली मिर्च बारीक पिसी हुई ये 1 चम्मच ऐड की है, और ज़ीरा 1/2 चम्मच ऐड किया है। और आइए अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये सारा सामान मैंने अंदर डाल दिया है, अब इसको मैं एक बड़े बर्तन में डाल लेती हूँ, बर्तन छोटा लग रहा है मुझे क्योंकि मेरे पास सामान ज़्यादा है, तो इस तरह इसको डाल के तो अंदर मिक्स कर लेते हैं हाथ के साथ अच्छे तरीके से। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत क्रिस्पी बनते हैं, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और आप मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि तमाम चीज़ें जो है वो आपको अच्छी तरह से वीडियो के अंदर मिल जाएं, जो भी टिप्स इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं, जो भी टिप्स हम अंदर ऐड करेंगे वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये डोनट्स बनाने के लिए हमारा मसाला तैयार हो चुका है, देखिए ये कितना कलरफुल है, इसके अंदर तमाम चीज़ें अलग अलग नज़र आ रही हैं। तो अब हम इसको इस तरह से थोड़ी देर 10 मिनट के लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद इसके डोनट्स तैयार करेंगे। मसाला तैयार हो चुका है तो आइए डोनट्स बनाना शुरू करते हैं। ये मेरे पास शामी बनाने के लिए है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हाथ से भी जो है बना सकते हैं इस तरह से। ये टिक्कियाँ हमारी सारी तैयार हो चुकी हैं, अब हम इनको डोनट्स की शेप देते हैं। ये देखिए इस तरह से ये मेरे पास है, इसको यूँ इसके अंदर से इस तरह से गुजार देना और इसको फिंगर के साथ बराबर कर लेना, इसी तरह से इधर से इसको बराबर कर लेना है, और ये हमारी एक डोनट्स तैयार हो गई है। डोनट्स की कोटिंग शुरू करते हैं, इस तरह से कॉर्नफ्लोर के अंदर इसको इस तरह मैं करूँगी, और उसके बाद हम इसको अंडे में डिप करेंगे, और इसके बाद ब्रेड क्रम्स के अंदर इसको दूसरे हाथ के साथ आपने ऊपर इसके ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। ये देखें ये इस शेप में हमारे डोनट्स आ जाएंगे, इनको हम साइड पे रखते जाएंगे। ये डोनट्स हमारे रेडी हो चुके हैं, आइए अब हम इनको फ्राई करते हैं। चूल्हे के ऊपर मैंने ऑयल रख दिया है फ्राई पैन के अंदर, और ये गर्म हो चुका है, इसको बहुत ज़्यादा हम गर्म नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम हमने रखना है, और इस तरह से एक एक करके इनको अंदर डालते जाएंगे। देखें बहुत प्यारी इनकी शेप बनी है, और इनको मीडियम फ्लेम पे हमने
फ्राई करना है। अगर आप तेज पे करेंगे तो इनके क्रम्स ऊपर से फौरन जल जाएंगे, इस बात का आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। आइए इसको हम चेक करते हैं। ये देखें, इसकी एक साइड लाइट ब्राउन हो गई है और अब दोबारा इसको हम सबको जो है इस तरह से साइड चेंज कर देंगे। और अब इनकी दूसरी साइड जो है वो फ्राई करेंगे हम। करते हैं, देखें ये लाइट ब्राउन बहुत प्यारी इनकी गोल्डन शेप हो गई है। अब इनको इस तरह से हम निकाल लेंगे, एक एक करके आपने निकालते जाने। आइए देखें ये कितने क्रिस्पी बने हैं, कितने मज़े के बने हैं। और आइए इनको तोड़ के देखते हैं, अंदर से ये बहुत सॉफ्ट बने हैं। देखें ज़रा इनके कलर्स बहुत सॉफ्ट हैं और कलरफुल हैं, अंदर से बहुत मज़े के बने हैं, बहुत क्रिस्पी बने हैं। इसके साथ ही अपनी कुक शबाना अंसारी को इजाज़त दीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर लिखिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही अपनी कुक शबाना अंसारी को इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ज़्यादा सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।